सत्र में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और हमारे साथ स्टूडियो में आचार्य राजीव शुक्ला जी जो आपको बताएंगे कैसा होगा आपका आज का दिन और क्या है उपाय जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। भारत समाचार के सभी विज्ञ दर्शकों को आचार्य राजीव शुक्ला का शांताकारं भुजक शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं सुमंगलं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगी विज्ञानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकराताम। भवभय हरने के लिए भगवान विष्णु ने सामुद्रिक शास्त्र दे रखा है या ज्योतिष शास्त्र दे रखा है, उससे आप जान सकते हैं, पहले ही आपको पता चल सकता है कि आप किस ओर जा रहे हैं, आप स्वयं कैसे हैं, सेल्फ एनालिसिस आप कर सकते हैं, आप हाथ के अंगूठे से आपकी सेहत बता सकते हैं, कैसे हथेलियां भी बहुत कुछ कहती हैं, यानी यह है सब सामुद्रिक शास्त्र विष्णु जी की साइंस। हाथ की रेखाओं में आपका अतीत और भविष्य भी छुपा होता है। इतना ही नहीं, आपकी सेहत का राज भी आपके हाथ में, अंगूठे के आकार से आप अपनी सेहत का हिसाब लगा सकते हैं। ऊपरी हिस्सा मोटा हो तो थोड़ा सा, यानी अनप्रोपोर्शनेटली मोटा हो तो दिमाग कुछ कमज़ोर हो सकता है, इसलिए दिमाग को तेज़ करने वाली चीज़ें खाएं। अंगूठे के हिस्से पर तेल हो तो भी दिमाग कुछ कमज़ोर हो सकता है। अखरोट इत्यादि, बादाम इत्यादि, ये सब आपके दिमाग को तेज करेंगे। ठंडी चीज़ों से ही आप बच के रहें। अंगूठे का ऊपरी हिस्सा मोटा या पिलपिला होने से भी आंखें कमज़ोर हो सकती हैं। 20-22 साल की आंखों में उम्र में ही आंखों की समस्याएं आ सकती हैं। बाल इत्यादि जल्दी सफ़ेद हो सकते हैं, ये भी आपको पता चलता है। अंगूठे के निचले हिस्से में लाल तिल आने पर सर्वाइकल इत्यादि प्रॉब्लम आ सकती है और उसकी हथेलियाँ भी बहुत कुछ कहती हैं। हाथ की रेखाओं में भी अतीत और भविष्य छुपा हुआ है, यानी अगर सेहत इत्यादि आप जानना है तो आप कई प्रकार से देख सकते हैं। जैसे अंगूठे से सेहत का हाल देखा, वैसे ही आपके पाम यानी हथेली किस प्रकार से शेप है, इसका कोनिकल शेप है, चौकोर शेप है, आप मेहनत का काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ आपके जो पर्वत हैं वो अगर डेवलप्ड हैं, यानी पर्वत यानी उभरे हुए हिस्से हथेली में, अगर वो डेवलप हैं तो आप काफ़ी सक्सेसफुल होंगे। हथेलियाँ नरम हैं, गर्म हैं तो भी आप काफ़ी लक्ष्मीवान होंगे। और इसी प्रकार से नाखूनों की भी स्थिति होती है। तो सामुद्रिक शास्त्र में हमने आज कुछ आपको चीज़ें बताई केवल अंगूठे के हिसाब से। आगे भी प्रयास रहेगा कि आपको सामुद्रिक शास्त्र के बारे में काफ़ी जानकारी दें। गुरु जी, आप दर्शकों को बताइए कि आज की 12 राशियों का राशिफल क्या कह रहा है और क्या है आज का खास उपाय। मेष राशि वालों, आज का दिन आपका रहेगा ऊर्जा से भरपूर। आज के दिन का आप लाभ लें, पूरा दिन आप आनंद से बिताते हुए दिख रहे हैं। खर्च को लेकर अलर्ट रहें, क्रेडिट कार्ड इत्यादि ऑनलाइन शॉपिंग आज कोशिश करें ना करें। परिवार के लोग आपके हर फैसले के साथ आपको आज एक पारिवारिक हेल्प मिलेगी। जीवन साथी के साथ बढ़िया तालमेल बैठाना पड़ेगा, ऊर्जा आपके पास बनी रहेगी। रविवार को उपवास रहने से आपके लिए अच्छा है और बिना नमक का उपवास होता है, ये करें। अंक 11 और रंग काला। बात करते हैं वृषभ राशि की। आज काम और आराम दोनों में तालमेल बैठा के आपको चलना पड़ सकता है। अच्छी छवि निखर कर लोगों के सामने आ सकती है। समाज में आपको उचित मान सम्मान इत्यादि मिलता हुआ देखा जा रहा है। आपका मन रहेगा प्रसन्न। धैर्य पूर्वक किया गया कार्य विचार बहुत फलदायी होता है। छोटे सदस्यों की, आपसे जो जूनियर हैं उनका भी ख्याल रखेंगे। आज काम और आराम दोनों का तालमेल बनाकर चलेगा। भगवान गणेश की पूजा करें, हरी वस्तुओं का दान जरूर करें और साज सज्जा पे भी ध्यान रखें। नीला रंग शुभ है, शुभ अंक आज आपके लिए है 12। बात करेंगे मिथुन राशि की। खुद को आत्मविश्वास से भरपूर बनाए रखना आज आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। मित्रों की संख्या में हो सकता है आपकी कुछ बढ़ोतरी। आर्थिक रूप से आपको प्राप्त हो सकता है धन और स्वभाव में लेकिन थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आ जाए तो उसको कैसे दूर करना है, वैचारिक मतभेद कैसे दूर करने हैं, इसके बारे में पहले सोच लीजिए। बैंक से जुड़े कार्य में बढ़ोतरी हो सकती है। वरिष्ठ जनों की सलाह यदि आम राय के बाद ही निर्णय लें। बात करते हैं क्या करें। आज पालक का दान करना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। शुभ अंक 19, शुभ रंग सफ़ेद। तो अब हम बात करेंगे कर्क राशि की। आज के दिन विवेक और विश्वास का बिल्कुल भी दामन ना छोड़ें, थोड़ा विवेकी हो जाएं, थोड़ी सी मेहनत करें और ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए स्ट्रेटजी बनाएं।
जीवन साथी इत्यादि अपने लव्ड वंस के साथ आप प्लान बना सकते हैं, बच्चे दोस्तों के साथ और बच्चों को दोस्त की तरह मान के आप उनके साथ व्यवहार कर सकते हैं। दृष्टिकोण बदल लें तो आपको अच्छा रैंक प्रमोशन मिल सकती है। घर में बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सी सचेत होने की सलाह। बात करते हैं क्या करना है दुर्भाग्य से बचना चाहते हैं तो जो भी जरूरतमंद व्यक्ति आज आपसे मिले उसकी मदद यथाशक्ति यथासामर्थ्य कर दें। बादामी रंग शुभ है, शुभ अंक आज आपके लिए है 4 का। अब हम बात करेंगे सिंह राशि। लंबे समय से लागू नियमों को अब बदलना है आप शुरू कर सकते हैं। कार्यस्थल पर योग्यता के हिसाब से चीज़ों में बदलाव आप शुरू कर सकते हैं। खुदरा कारोबारी हैं इत्यादि आप तो आर्थिक प्रगति आपकी होगी। ग्राहक की पसंद नापसंद इत्यादि की गंभीरता से आप लें, यानी आपके आसपास जो लोग हैं वो ज़रूर आप उनकी सलाह लें। बीमार यदि हैं तो दवा जरूर ध्यान से लें। माता दुर्गा जी को सफ़ेद पुष्प समर्पित करें मंदिर में। शुभ अंक आज आपके लिए है 9 और शुभ रंग आज आपके लिए है ऑरेंज। अब हम बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि वालों आज के दिन महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने में ही पूरा दिन व्यस्त होगा। आप सामाजिक कार्यों में आप हिस्सा ले सकते हैं। इसी के साथ ही ऑफिस में आपको कोई नया कार्य इत्यादि भी मिल सकता है। आपको अच्छा सम्मान मान इत्यादि भी प्राप्त आज हो सकता है। कोई शुभ समाचार मिलने से आप बहुत ज़्यादा उत्साहित हो सकते हैं, लेकिन किसी को हतोत्साहित ना करें। थायराइड मरीज अगर हैं आप थोड़ा सा सावधान रहें। महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए पूरा दिन व्यस्तता देगा, परोपकार करते रहें, इससे बिल्कुल दूर ना रहें और लंबे समय तक करें जरूर ना होगा। 11 हरा रंग शुभ है, शुभ अंक आज आपके लिए है 1 का। अब हम बात करेंगे तुला राशि की। आज आपका दिन बहुत ही बेहतर रहता हुआ नजर आ रहा है और इसी के साथ आर्थिक प्रगति, ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छा है। लाइफ भी अच्छी और इन्जॉय भी कर सकते हैं, लेकिन सेहत को देखते हुए पेट इत्यादि खाली ना रखें। जीवन साथी के साथ मतभेद होने की संभावना, जीवन साथी का मतलब जो आपके साथ रेगुलर रहते हैं वो भी एक तरह से आज थोड़ा सा सामंजस्य मांगेंगे। महादेव की पूजा से भाग्य बदलेगा। पीला रंग शुभ है, 2 का अंक आज आपके लिए बेहतर है। आलस्य से बचना आपके लिए जरूरी है। बात करेंगे वृश्चिक राशि की। आज पूरा दिन आपका मन अच्छा महसूस करता हुआ दिख रहा है। सामाजिक जीवन में भी आज हर तरह से आप बेहतरी की तलाश आपकी खत्म हो सकती है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सकता है। घर के छोटे सदस्य नाम कमाएंगे आपके लिए, जरूर माता जी का स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए जरूरी है। तो आज आप पूरा दिन मन आपका अच्छा महसूस करेगा। मछलियों को आटे की गोली जितना ज़्यादा हो सके आप करें जरूर लाभ होगा। आसमानी रंग शुभ है, शुभ अंक आज आपके लिए है 5 का। अब हम बात करेंगे धनुराशि की। धनुराशि वालों आपके पास नए अवसर आते हुए देखे जा रहे हैं। धैर्य रखने पर आपके रिश्ते मधुर होंगे। परिवार में प्लॉट या नया मकान इत्यादि लेने की प्लानिंग, नई प्रॉपर्टी गेन हो सकती है आपको। स्वास्थ्य को लेकर बदल रहे मौसम में सेहत खराब हो सकती है। आपके पास नए अवसर जो आए उसका लाभ उठाएं। माँ भगवती को हलवे का भोग लगाएं जरूर। गृह रंग शुभ है, शुभ अंक आपके लिए है 5 का। छोटे छोटे उपाय। अब हम चलते हैं, जानते हैं मकर राशि पे क्या है। सर्जरी अगर करा चुके हैं या कोई आपको बड़ी प्रॉब्लम रह चुकी है तो अभी इन्फेक्शन से बचे। नौकरी इत्यादि में प्रोजेक्ट अच्छे मिल सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए सामान्य दिन रहने वाला है इस राशि के। किसी छोटी सी बात पर जीवन साथी से अनबन इत्यादि हो सकती है। किसी भी कार्य को करें, डॉक्यूमेंट्स इत्यादि बहुत जांच समझ के चलें। काफ़ी समय से मकर राशि के ऊपर ये ज़रूर आ रहा है और समय का थोड़ा प्रभाव लग्न पे या राशि पे वक्री हैं। गणेश जी को पीले पुष्प इत्यादि चढ़ा सकते हैं। मरून रंग अच्छा है, 7 का अंक अच्छा है। वक्री शनिदेव को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस कालखंड में। मैरून रंग 7 का अंक आज आपके लिए अच्छा है। बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। आज के लिए महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए उसकी एक लिस्ट आप बना लें और सूचीबद्ध करके करें। थोड़ा सा जिम्मेदारियों का बोझ अगर अधिक हो तो बोझिल हो सकता है मन। वरिष्ठ जनों की सलाह लेना आपके लिए सार्थक हो सकता है। थोक का माल इत्यादि लेते हैं तो इसका ध्यान रखेंगे। व्यापारी सेहत को लेकर हाई बीपी या हार्ट से मरीज हैं तो क्रोध से बचें। क्रोध से बचना ही आज का एक गुरु मंत्र हो सकता है। कृष्ण मंदिर में माखन मिश्री का भोग लगाएं, गोला मिश्री का भोग लगाएं। नीला रंग शुभ है, शुभ अंक आज आपके लिए है 17।
बात करते हैं मीन राशि। आज का दिन आपका रहेगा शानदार, अच्छा रहेगा। कोई दोस्त मित्र इत्यादि या रिश्तेदार इत्यादि मिलने आ सकते हैं आपसे लोग, चाहे कार्यस्थल पे ही। संपत्ति बढ़ाने की कोई योजना हो यदि वो सफल हो सकती है। बिजनेस है यदि तो उसमें नए एग्रीमेंट मिल सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच बहुत सतर्क रहने का समय चल रहा है। छोटे छोटे कई निवेश भविष्य के लिए लाभकारी हो सकते हैं। आपकी राशि के स्वामी वक्री हैं, इसलिए ज़रूर कुछ अच्छा कार्य बृहस्पति देव के लिए करें, गाय को हरा चारा खिलाएं। और इन दिनों शुभ है, 16 का अंक आज आपके लिए बहुत बेहतर है। तो दर्शकों आपने देखा मेष से मीन, मीन से मेष पर्यंत सारी राशियां, गागर में सागर। गुरुजी अब दर्शकों को बताइए कि आज का पंचांग क्या कह रहा है, दिन में कौन सा समय रहेगा शुभ और किस समय रहेगा राहु काल। दिनांक 4 अगस्त 2022, सप्तमी तिथि का मान चित्रा नक्षत्र और गुरुवार का दिन श्रावण मास शुक्ल पक्ष। शुभ समय 12:17 से 1:55, राहु काल 2:10 से 3:48 PM सिद्ध है। तो आज आपने जाना कैसा होगा आपका आज का दिन और क्या है उपाय जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए आप गुरुजी को डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं 800-40-3-6-5-2-4, ये उनका व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप उनको टेक्स्ट मैसेज करके अपने सवालों के जवाब भी पा सकते हैं। और साथ ही गुरुजी की ईमेल आईडी है rajivshuklaonline@gmail.com। आज के नक्षत्र में बस इतना ही, कल फिर आप सभी दर्शकों से मुलाकात होगी विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भारत समाचार।